दुर्वा थाना की रात्रि गश्ती गाड़ी पर सोमवार की रात 11:25 पर टंकी साइट में भीड़ ने हमला किया। दारोगा सहित अन्य पुलिस जवान के साथ न सिर्फ गाली गलौज की बल्कि उनके साथ मारपीट भी की, उनके वाहन में आग लगाने की धमकी दी। पुलिस सरकारी वाहन, हथियार और जान बचाने के डर से घटना स्थल से भाग निकली। यह आरोप लगाया है धुरवा थाना के दारोगा नारायण सोरेन और सोमवार की रात धुरवा थाना की गश्ती गाड़ी में तैनात पुलिस कर्मियों ने। इस संबंध में मंगलवार 18 अक्टूबर को धुरवा थाना में 5 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी की है, जिन्हें आरोपी बनाया गया है। उनमें नितिन कुमार, भोला कुमार, रविंद्र कुमार राय, सचिव कुमार और सुधा देवी शामिल है। इन पर पुलिस के साथ मारपीट करने और सरकारी काम में बाधा डालने की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हुई है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।